बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 6 मैथ क्लास। होप सब सब लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना कॉपी वर्क जो है वो कंप्लीट किया होगा, सही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं ए बी सी और डी की, और फिर आपने फाइंड करना है ए माइनस बी जो आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज आपको दी हुई है हम वो लिख ले देते हैं। ए आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू आपके पास मौजूद है ए माइनस बी प्लस सी, और सी आपके पास है ए प्लस बी माइनस सी, एंड सबसे लास्ट डी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी, ठीक है। ये चार वैल्यूज दी हुई है, और फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है ए माइनस बी से। सब्ट्रैक्शन हम पहले भी सीख चुके हैं आपने किस तरह वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपसे कहा गया ए माइनस बी, तो सबसे पहले ए की जो वैल्यू दी है उसको पुट करें, और वो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अब माइनस साइन, अब बी वैल्यू को पुट करते हैं, बी वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रैकेट रिमूव कर दें, और आपके पास जो माइनस साइन है आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस 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 ए प्लस बी एंड माइनस सी। अब आप इन वैल्यूज को अरेंज कर लो, ए वाली वैल्यूज को इकट्ठा करो, इसके बाद बी वैल्यूज को, एंड सबसे लास्ट पे सी वैल्यूज को अरेंज कर लो, ठीक है। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर लें, ठीक है। प्लस माइनस की वैल्यूज कैंसिल होगी, इनको प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 2b, सही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अपनी बुक्स से अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो है वो आपके सेम इसी तरह से सॉल्व होने हैं। आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है, जो आपकी वैल्यूज गिवन है उनको पुट करें, माइनस करना है, ठीक है। साइन ब्रैकेट रिमूव करके साइन चेंज करें, और सिंपली अगर कोई वैल्यूज कट हो रही हैं तो उनको कट करके आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। अब हम करते हैं सर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि आपने वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है वो आपके पास है ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये अभी मैं आपको 7 पार्ट करवा रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए वैल्यू को पुट करते हैं, वो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, प्लस बी वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी प्लस सी माइनस, और सी वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी एंड प्लस सी, माइनस ए माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इनको अरेंज करके लिख लो, जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, ये हमने कर लिया ए को। अब हम बी वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, माइनस बी एंड माइनस बी। अब इसी तरह सी वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, प्लस सी एंड प्लस, ठीक है। प्लस माइनस वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट कर लें, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग रहेंगे उनको लिख लें, ये आपका ए माइनस बी एंड इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका पार्ट नंबर 8 और 9 जो है वो आप लोगों के होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपका सॉल्व होना है, ठीक है। अभी मैं आपको पार्ट नंबर 10 इसका बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यू दी है वो लिखें ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब पुट करें ए की वैल्यू उसको ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस अब बी वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस। अब सी वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी माइनस सी, और प्लस डी की वैल्यू है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे इसको लिख लें, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अरेंज कर लें, जो सेम टर्म्स है उनको अरेंज करके लिख लें, ये हो गया। यहाँ पे भी आप सेम इसी तरह करो, अरेंज करके लिख लो,
माइनस सी एंड माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2a, प्लस माइनस की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2c माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2c, ठीक है। अब यहाँ पे 2a प्लस 2c माइनस माइनस प्लस प्लस 2c, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 4c, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आपके पास a प्लस 2 टू द 4 2c, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 के का 10 पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें से कुछ पार्ट मैंने करवा किए हैं आपके लिए और कुछ रिमेनिंग जो पार्ट है वो आप लोगों ने खुद अपनी कॉपीज पे करने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 और सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी कॉपीज पे लिखिए। यहाँ पे कहा गया है व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 टू गेट एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्स्टेंट नंबर 1 उसको आपने यहाँ पे 3 के नीचे रखेंगे और रिमेनिंग देखो तो यहाँ पे एक्स क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इन वैल्यूज को जो आप लिखोगे वो सेपरेट लिखोगे, ठीक है। तो आप इसको अरेंज करके इस तरह से आपने लिखना है कि आपने जो 1 होगा वो आपके पास पहले आ जाएगा, ठीक है, 1 पहले लिख लें और रिमेनिंग जो वैल्यूज है उनको सेपरेट करके लिख लें, ठीक है, यहाँ पे लिख लें। अब आप इनके साइन चेंज कर लो, ये आ जाएगा, साइन हमने चेंज कर लिए, ठीक है। अब एक्स क्यूब के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप इनको अरेंज कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू फ्रॉम पी पावर 5 प्लस पी 4 प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 टू गेट पी पावर 5 प्लस 1। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में पी पावर 5 प्लस 1, ठीक है, इसको भी आप उसी तरह से अरेंज करके लिखोगे। अरेंज करके हमने इस तरह से लिखना है कि पी पावर 5 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर आपके पास जो है वो क्या है, प्लस 1 है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको आप सेपरेट लिख लो, पी 4 प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इनके साइन चेंज करें, साइन चेंज कर लिए, प्लस माइनस वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज कर लिए, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी 4 माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस पी, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, पी 4 प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में मिले हैं वो आप लोग पहले अपनी रफ कॉपीज पे कीजिएगा, अगर आपको आंसर्स मैच करें, अगर आपको लगे कि ठीक है तो फिर आप उसको नीट कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा। तब नेक्स्ट में हम जो है 8.5 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह।